بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ये सूरह फुस्सिलत सूरह हामीम अस्सजदा की 41 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा है, यकीनन जिन लोगों ने नसीहत यानी कुरान को मानने से इनकार कर दिया, जबकि वो नसीहत उनके पास आ चुकी थी और यकीनन वो कुरान तो एक बड़ी इज्जत वाली किताब है, बड़ी नादिर किताब है, बड़ी बेनज़ीर किताब है, बड़ी वक़ात वाली किताब है, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد। باطل जिस तक पहुंच नहीं सकता, बातिल कुरान तक नहीं पहुंच सकता, आगे से भी नहीं और पीछे से भी नहीं। ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जो बड़े हिकमत वाले हैं, तमाम तारीफ के मालिक है, यानी अल्लाह की तरफ से। यानी इस कुरान के अंदर कोई बातिल और गलत बात की मिलावट किसी तरफ से नहीं हो सकती, आगे से भी नहीं, पीछे से भी नहीं, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, तमाम जानिब से, किसी भी जानिब से कुरान के अंदर कोई बातिल और गलत चीज की मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए कि ये कुरान बड़े हिकमत वाले, तमाम तारीफों वाले अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। मा युकालु लक इल्ला मा कद कील लिर्रुसुल मिन कब्लिक इन्न रब्बक लदु मगफिरतिन व दु इकाबिन अलीम। ए नबी, ये जो बातें तुमको कही जा रही है ये सब वही बातें हैं जो तुमसे पहले नबियों को कही गई थी। यकीनन तुम्हारे रब तो बड़े मगफिरत करने वाले और दर्दनाक सजा देने वाले हैं।
ये आयत तसल्ली और हौसला अफजाई की आयत है। दुनिया में जो भी दावत का काम करता है, लोगों को अच्छी बात बतलाता है, तो लोग उसको बुरे लकब से नवाजते हैं, बुरा लकब देते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, मुखालफत करते हैं। तो दाई को इन चीज़ों से घबरा कर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपना काम दाई बराबर चालू रखे। इसमें अल्लाह ताला की दो सिफत बयान की गई, लजु मगफिरा, बड़े माफ़ करने वाले हैं। जब कोई गुनहगार सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, और जब कोई आदमी अपने गुनाह पर, अपनी ज़िद पर, अपनी बुराई पर अड़ा रहता है तो फिर अल्लाह ताला बड़े दर्दनाक सज़ा भी देने वाले हैं। तो अल्लाह बड़े दर्दनाक सज़ा देने वाले भी है। बस ये हैं कि आदमी ज़िद्दी हो, तौबा न करता हो, माफ़ी न मांगता हो, बुरी आदत पे अड़ा रहता हो, तो फिर अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देने वाले हैं। बाकी जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ कर देंगे। और हर अच्छे काम करने वालों को उनकी मुखालफत होती है, लोग उनके ख़िलाफ़ बात बोलते हैं, तो उनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपना दीन का काम जारी और चालू रखना चाहिए। ये हो गया आयत का तर्जुमा और तर्जुमे का ख़ुलासा। इन तीन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ख़तरनाक नाफरमान लोगों को डराया है, धमकाया है कि जो लोग टेढ़ी सोच के हैं, गंदे मिजाज के हैं, और वो लोग कुरान में नसीहत की बात में शक करते हैं, उसके अंदर सवालात खड़े करते हैं, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये कुरान सिर्फ नसीहत से भरी हुई किताब है। जो आदमी भी इसकी नसीहत के अंदर शक करेगा, उसको अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कुरान हकीकत में अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है। ऐसी किताब है कि इस किताब में झूठ हो ही नहीं सकता, इस किताब में गलत हो ही नहीं सकता, चूंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इसीलिए कोई झूठ, कोई गलत, कोई बातिल बात इस कुरान के अंदर कहीं से भी दाखिल नहीं हो सकती। ऐसी अल्लाह ताला ने ये अजीब व गरीब किताब इंसान को अता फरमाई है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, इसीलिए इस कुरान में कोई झूठ और गलत बात किसी तरफ से भी आ नहीं सकती। अब आयत के अंदर फरमाया ला याती हिल बातिल, तो ये बातिल क्या चीज़ है, ध्यान से समझो। नंबर एक, बातिल से मुराद शैतान है। शैतान दो तरीके के होते हैं,
एक शैतान इंसान में है, दूसरे शैतान जिन्नात के अंदर है। तो ये शैतान इंसान में से हो या ये कि ये शैतान जिन्नात के अंदर से हो, कुरान के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकते, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना आज तक 1400 साल में लोगों ने बहुत कोशिश की कुरान में अपनी तरफ से मिलावट करने की, कुरान में अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कामयाब नहीं होने दिया, नाकाम कर दिया। नंबर दो, बातिल का मतलब है के कमी बेशी, और कुरान के अंदर झूठ, शक, शीबा, फालतू सवालात खड़े करना और गैर वाकई बात, दूसरे नंबर पर है गैर वाकई बात कि कुरान के अंदर कोई भी कोई गैर वाकई बात, यानी जो बात वाकिए के, हकीकत के, सच्चाई के खिलाफ हो, ऐसी कोई बात कुरान के अंदर नहीं आ सकती। जितनी भी बात कुरान में आएगी वाकिए के मुताबिक होगी, सच्चाई वाली होगी, सत्यता पवित्रता उसके अंदर भरी हुई होगी। फिर फरमाया मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, आगे से भी कोई बातिल नहीं आ सकता और पीछे की तरफ से भी कोई बातिल नहीं आ सकता। इसका एक मतलब ये है कि हर जमाने के अंदर, हर दौर के अंदर कोई भी आदमी कमी नहीं कर सकता। आगे का मतलब कमी नहीं कर सकता, पीछे का मतलब ज्यादती नहीं कर सकता। हर जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने इस मुबारक किताब को हर तरह की कमी ज्यादती से सलामत रखा है। आप देख लो कुरान के 1200 साल पुराने नुस्खे दुनिया में मौजूद है, 1300 साल पहले की कुरान की लिखी हुई कॉपियां मौजूद है, 1400 साल पहले की कुरान की लिखी हुई कॉपियां मौजूद है। तो 1400 साल पुराना कुरान लो और आज का कुरान ले लो, कंपेयर करो, आपस में मिलाओ, तकाबुल करो, कहीं पर भी आपको एक लफ्ज, एक हर्फ, एक शब्द कम ज्यादा नहीं मिलेगा। ये अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को अजीबो गरीब खूबी अता फरमाई है। दूसरी बात मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही का ये है कि पिछली आसमानी किताब इस कुरान को बातिल नहीं कहती है, बल्कि पिछली आसमानी किताब भी यही कह रही है कि कुरान सच्चा है। देखो कुरान के नाजिल होने से पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसमानी किताब नाजिल फरमाई,
तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, जबूर आई, छोटी बड़ी 100 के करीब किताबें और भी आई। जितनी भी पहली किताबें दुनिया में आई, हर किताब ने कुरान को सच्चा बतलाया, यानी किसी भी पिछले जमाने की आसमानी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कुरान जो आखिरी नबी पर आएगा, आखिरी जमाने में आएगा, वो नऊज़ बिल्ला झूठा होगा, नऊज़ बिल्ला गलत होगा। ऐसा किसी भी पिछली किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है। पिछले जमाने की तमाम आसमानी किताबों ने, आकाशी ग्रंथ, आसमान से आने वाली किताबों ने कुरान को सच्चा होना बयान किया है। और आगे आने वाले जमाने में, मुस्तकबिल में, भविष्य में कोई किताब आसमान से नहीं आने वाली है ही नहीं। इसीलिए कोई भी किताब आने वाले जमाने में भी कुरान को झूठा नहीं कह सकती। ये अजीब कुरान मजीद की खूबी है, अजीब कुरान मजीद की खूबी है। तीसरी बात समझो, बाज लोग ऐसे होते हैं जो गलत रास्ते के ऊपर होते हैं, बातिल परस्त होते हैं, वो खुल्लम खुल्ला तौर पर भी कुरान के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकते और छुप छुप कर भी कुरान के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकते। बाज लोग इस्लाम का नाम लेकर, ईमान का नाम लेकर कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, कुरान में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी गड़बड़ी को चलने नहीं देते। तो कोई बातिल वाला, कोई गुमराह, कोई रास्ते से भटका हुआ खुल्लम खुल्ला कुरान मजीद के अंदर मिलावट और गड़बड़ी करना चाहे, या छुप छुप करके मिलावट और गड़बड़ी करना चाहे, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और वो जिम्मेदारी कुरान के अल्फाज की भी अल्लाह हिफाजत करते हैं, कुरान के शब्दों की भी अल्लाह हिफाजत करते हैं, कुरान के वर्ड्स की भी अल्लाह हिफाजत करते हैं। कुरान का मायना, कुरान का मीनिंग, कुरान का तर्जुमा, कुरान का मफहूम, उसकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे है। हर जमाने के अंदर ये दोनों तरह की नापाक कोशिश हुई कि कुरान के अल्फाज में मिलावट करो, कुरान का मायना गलत बयान करो, कोई उसमें कामयाब नहीं हुआ। जिसने भी कुरान के अल्फाज में मिलावट की कोशिश की, दुनिया ने ठुकरा दिया, दुनिया ने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और कुरान जैसा अल्लाह के यहां से आया था, बिल्कुल वैसा हूबहू आज तक पूरी दुनिया के अंदर महफूज है, सलामत है। और जिस जमाने में भी जिस आदमी ने कुरान के मायने में, मीनिंग में, मतलब में, कमेंट्री में, तफसीर में मिलावट करने की कोशिश की, तो उम्मत के उलमा खड़े होते हैं और लिखते हैं कि भाई ये गलत तफसीर है, ये गलत मतलब है, ये बातिल मतलब है, ये फासिद मतलब है। फौरन उलमाए किराम, मुफस्सिरीन, तफसीर लिखने वाले वो तैयार होकर के अपने बयान से और अपनी किताब से, अपने कलम से लिख करके जिसने भी कुरान का मायना गलत बयान किया, फौरन उसकी बात को रद्द कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये खूबी कुरान मजीद को अता फरमाई कि कोई भी आदमी इस मुबारक किताब के अंदर किसी तरह की भी तहरीफ, हेरा फेरी, रद्दो बदल,
तगैयुर नहीं कर सकता। अजीब ही अल्लाह ताला की किताब है। और ये किताब इतनी महफूज रखी गई, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए फरमाया तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह बड़े हिकमत वाले, तमाम तारीफों के मालिक, उन अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हिफाजत का निज़ाम है। जब अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली तो कौन फिर इस कुरान के अंदर रद्दोबदल और हेरा फेरी कर सकता है। तो आज की इस मुबारक मजलिस में अच्छी तरीके से एक अकीदा, एक यकीन अपने दिल दिमाग में जमा दो, कुरान में कोई बातिल बात, गलत बात, गंदी बात, मिलावट नहीं हो सकती। उसके अल्फाज में भी मिलावट नहीं हो सकती, उसके मायने के अंदर भी कोई तहरीफ और गड़बड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह के यहां से उतारा गया कलाम है। और जो लोग कुरान का इनकार करते हैं, नबी का इनकार करते हैं, इस्लाम का इनकार करते हैं, उन्होंने हर जमाने में नबियों को तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह ने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप उनकी तकलीफ़ों पर सब्र कीजिए, ये आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ ज़बान चलाते हैं, तो आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, इनकी गलत और गंदी बात का आप बिल्कुल जवाब न दीजिए, आप अपनी दावत का काम करते जाओ। जो तोबा करेगा अल्लाह माफ़ करेंगे, तोबा नहीं करेगा अल्लाह उसको दर्दनाक अजाब देंगे। तो पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उसका लफ्ज़ लफ्ज़ सही है, हर हर लफ्ज़ सही है, अल्लाह के यहाँ से आया हुआ है, और उसका माना, उसका मतलब, उसकी तफसीर जो अल्लाह के नेक सालेह मुखलिस बंदों ने बयान की, सहाबा ने, ताबेईन ने, औलिया किराम ने, वो भी बिल्कुल सही तफसीर है। उसको समझो, उसके मुताबिक अमल करो। जो तोबा करेगा अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, और जो तोबा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला का अजाब भी बड़ा दर्दनाक और बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हम सब को तोबा करने वालों में शामिल फरमावे, और दर्दनाक अजाब से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के अंदर हिफाजत फरमावे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين